नमस्कार, मैं हूं सूरज। दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक टेक्निकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो आप कभी मुझे आशा है आप 100% श्योर है मुझे कि आप सुने नहीं होंगे, ना ही आप जानते होंगे। तो लेकिन मैं आशा ये रखूंगा कि इस वीडियो के बाद आप खुद जानिए और लोगों को बताइए भी, क्योंकि वो क्या है ना, कुछ लोग भौकाल में जी रहे होते हैं। तो भौकाल में ना आप जिए या ना कोई दूसरा अपने भौकाल में लाइफ व्यतीत करे। तो देखिएगा, हम आपको मैं क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन क्या है, आपने जरूर सुना होगा, ह्यूमन जो फेसेज होता है, मानो मल एलोइस कलर का होता है, पीला कलर का होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ह्यूमन फेसेज से, वैसे हम पर्टिकुलर ह्यूमन फेसेज बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं, तो यहाँ से वो आता है, स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है, बदबू आती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको अभी दोनों रीजन विथ टेक्निकल एंड विथ साइंटिफिक फुल मैनर्स में आपको बता रहा हूँ। केवल आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते जाइएगा। और साथ में एक चीज मैं आपको वो बताऊंगा, भोजन का फार्म किस किस रूप में होता है। तो ऐसे मैं आपको 8-10 क्वेश्चन वाइबा के मैं क्लियर कर रहा हूँ, और आप पूरा पूरा वीडियो देखते जाइएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बनाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपका एक नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल है, नॉर्मल के एलिमेंट्री कैनाल है, ये आप जानते हैं, माउथ से स्टार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और टर्मिनल इसका इन जो होता है एनस होता है, एनल पोर होता है। तो यहाँ से माउथ हुआ, ये बैकल कैविटी है, ये आप जानते हैं वो इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो सी शेप है वो बच्चे होता है क्या मेरे दोस्त, वो होता है स्मॉल डाउडिनम। डाउडिनम के बाद आप जानते हैं जेजुनम, उसके बाद इलियम आता है, उसके बाद आप समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 प्रकार होता है, सीकम, कोलन, और इसके बाद आपका रेक्टम आ जाता है। उसके बाद रेक्टम से जुड़ा हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर का एनल कैनाल होता है, जिनमें 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपका डील कर दूं, पहला क्वेश्चन मेरा ये है मेरे दोस्त कि फॉर्म ऑफ फूड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान सुनिएगा, आप जब भोजन लेते हैं तो माउथ से इंटर कराए उसको आपने, वन मोर्सल, मोर्सल समझते हैं, मोर्सल निवाला। तो जब वन मोर्सल आप टेक करते हैं तो यहां पर आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आने पे तुरंत बोल देते हैं कि भोजन में रहने का, जो भोजन में जो मुख में जो भोजन बना है उसको बोलते हैं, लोग तुरंत बोल देते, नहीं, हम आपको भोजन का 4 रूप बता रहे हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है। एक का नाम होता है मेरे दोस्त बोलस, और एक का नाम होता है आप बोलेंगे काइम, क्या होता है काइम, और एक का नाम होता है काइल, क्या होता है काइल, एक का नाम होता है फिशेज, क्या होता है स्विसेज। स्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म जानते रह गए ये, आप अगर टीजीटी वगैरह देते होंगे वहां भी पूछा जाता है फॉर्म बताइए किस प्लेस पे कौन सा प्लेस होता है। बोलस मेरे दोस्त, जब आप भोजन इंटेक करते हैं तो वहां पर आप वेरियस टाइम, यहाँ मेन एंजाइम आप जानते हैं, वन एंजाइम है टायरिन एंजाइम, और प्लस एक और रहता है डायस्टेज एंजाइम, हो सकता है आप सुने भी ना हो डायस्टेज एंजाइम, लेकिन डायस्टेज भी रहता है। तो टायरिन एंजाइम आपको पढ़ाया जाता है, और उसी का एक नाम है सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पर आता है, तब जब वो डाइजेशन, जो भी आप उसको च्यूइंग करते रहते हैं, उसके बाद जो लंप बनता है, लंप समझते हैं, जो गेद लाइक स्टेज बनता है, जो सॉल्यूशन, उस पेस्ट को वहां बोलते हैं बोलस। तो बोलस कहाँ बोलते हैं, कहाँ बनता है, आप ये बनता है बक्कल कैविटी में। लेकिन जब वो कब बोलस बोला जाता है, जब बक्कल कैविटी का भोजन पास होने लगे ओएसोफेगस के द्वारा, और आप च्यूबिंग कर रहे हैं तब नहीं बोला जाएगा। मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, जब आप च्यूबिंग कर रहे होते हैं तब नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये पूरी इस फॉर्म में आया ही नहीं है। जब आप च्यूबिंग करके खत्म कर दिए, समझ लीजिए आपने च्यूबिंग करना बंद कर दिया, आप स्वॉलोइंग करने वाले हैं, स्वॉलोइंग में निगलने वाले हैं, तब आपको वो जो जा रहा है, पास हो रहा है, वो क्या पास हो रहा है, बोलस पास हो रहा है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, काइम क्या होता है, अब यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई न जूस आता है, न कोई एलिमेंट वो एंजाइम आता है, यहाँ डाइजेशन होता नहीं है, ओएसोफेगस में, स्टमक में पहुंच जाएंगे। स्टमक में जैसे पहुंचेंगे तुरंत यहाँ पर स्टमक में आप जानते हैं वेरियस टाइप के एंजाइम आते हैं, पेप्सिनोजन आपने सुना होगा, ट्रिप्सिनोजन, ये सब यहाँ इनएक्टिव स्टेट में, एससीएल के द्वारा, यहाँ एससीएल भी देखो यहाँ रहता है। तो हम वो नहीं बता रहे, हम फॉर्म बता रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं। काइम, काइम क्या मेरे दोस्त, काइम जो होता है, जब यहाँ पर पूरी एक्टिविटी हो जाएगी, उसके बाद इसी बोलस, जब ये बोलस इंटर करता है, जब बोलस पूरा, अब यहाँ पर जब इसका डाइजेशन होगा तो जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट को बोलते हैं काइम। तो काइम कहाँ से पास होता है,
स्टमक से पास होता है। इसके अलावा काइल 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 ध्यान सुनिएगा, काइल यही स्टमक से जो काइम है जब पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम इसका पूरा फुल डाइजेशन होता है। तो अब ड्यूडेनम के बाद जब ये पास होगा तो समझ लीजिए पास क्या हो रहा है, काइल। क्या पास हो रहा है? काइल पास हो रहा है। इसके अलावा फीसेस क्या होता है? अब ये काइल जब यहां स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन अंतिम पार्ट है क्या, हम कह सकते हैं रेक्टम। रेक्टम में जब ये फॉर्म पहुंचता है काइल, तब मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आप कह सकते हैं, तब ये कहलाने लगता है क्या, फिशेज, जिसको आप मल बोलते हैं। तो इतना हमारा फॉर्म था, क्या भोजन का ये फॉर्म था हमारे अंदर, खाने से लेकर के आप उसको मल त्याग करने तक का जो फॉर्म कहलाता है, ये चार फॉर्म पाया जाता है। समय आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, मल से बदबू आती है, मल से बदबू आती है, ध्यान सुनिएगा। पहले मैं आपको बता दूं मल से, मल का रंग एलोइस कौन होता है, तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट पीपल, मैंने देखा मोस्ट ऑफ द मोस्ट लोग ये कहते हैं हमारे अंदर बिलरुबिन पाया जाता है, इसकी वजह से मल का रंग क्या होता है, पीला होता है। आपने भी सुना होगा कि पीलिया का लोगों को हो जाता है तो बिलरुबिन के डिस्टर्बिंग होता है। हाँ ठीक है, ध्यान दो, मैं आप पूरा फुल नॉलेज दे रहा हूँ। हीमोग्लोबिन के ब्रेकिंग से लीवर में आपका बिलीरुबिन बिलीरुबिन बनता है। इसके अलावा बिलीरुबिन और बिलीरुबिन की वजह से नहीं मल का रंग पीला हो जाता है। हाँ बताइए, अगर सपोज दैट आप फील करिए, कितनी बेवकूफी वाली बात लोग को कह देते हैं, आप सपोज दैट फील करिए, क्या आपको पीलिया जब रहता है तभी आपका मल पीला रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीलिया ना रहे तब भी हमारे लाइफ, हेल्दी लाइफ में भी मल का रंग पीला ही होता है। तो जिस लोगों जितना जिस तरह से लोग कह देते हैं कि उसकी वजह से मल का रंग पीला है बिलरुबिन की वजह से, तो आप फील करिए असत्य है बात है कि नहीं, वो केवल भौगाल है। हम आपको रियल बताते हैं मेरे दोस्त, जो ये आपका ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, अभी मैंने बताया था जो आपको बिलरुबिन, यस बिलरुबिन जो है, ये कौन से दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बिलिरुबिन टूटता है स्टर्को स्टर्को बिलिन एंड यूरो बिलिन स्टर्को बिलिन एंड यूरो बिलिन में टूटता है। किसमें किसमें? स्टर्को बिलिन एंड यूरो बिलिन में टूटता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कभी बार बार कहता हूँ, यूरो साइंस में यूरो मतलब आ जाए, इसका मतलब होता है येलो। येलो आपने सुना होगा, यूरिन का कलर होता है येलोइस कलर का, क्यों? क्योंकि वहां उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, यूरोक्रोम। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज अ पिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन द आवर यूरिन, सो दैट इज व्हाई आवर आवर वी कैन से यूरिन इज येलोइस इन कलर। सो सेम लाइक प्रोसेस हियर, बिकॉज वी वेरी वेल नो बिलिरुबिन इज अगेन डिवाइड इंटू एस्टरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन दैट्स आवर फिशेज इज कलर एलोइश इन कलर, एंड समटाइम वी कैन से ब्राउनिश इन कलर। सो योर आंसर विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन, सो आवर फिशेज इज एलोइश इन कलर। सो यू वेरी वेल नो, यू ऑलवेज लर्न, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्टरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन दैट्स मल इज एलोइस इन कलर। अंडरस्टैंड? सो वन क्वेश्चन आर आल्सो क्लियर दैट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई फ्रॉम आवर फिशेज दैट्स बैड स्मेलिंग आर अराइज व्हाई, सो योर रीजन विल बी वेरी लिसन केयरफुली। नाउ दिस फिशेज हैव टू मेन गैसेज। नाउ फर्स्ट विल बी लिसन केयरफुली, फर्स्ट इज अ इंडोल एंड सेकेंड इज अ स्केटोल। नाउ राइट हियर, इंडोल एंड सेकेंड इज अ स्केटोल। स्केटोल मैं आपको हिंदी बता देता हूं, इंडोल और स्केटोल गैसेज पाई जाती है हमारे मल में, गैसेज है जिसकी वजह से, अब ये जब हम मल त्याग कर देते हैं तो उस थोड़े से अराउंड में ये गैसें बढ़ने लगती हैं। तो जब ये गैसें बढ़ने लगती हैं तो जिस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी रहेगा
उसको थोड़ा सा ये उसके ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी समझते हैं ना, निडेरियन, आपके नॉक में, नोज में एक निडेरियन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो ऑल्फैक्टरी लोब से कनेक्ट होते हैं, जो ब्रेन में जो इंडिकेट करता है गंध का ज्ञान कराता है। तो ये इंडोल और स्केटोल एक इसी गैस का गंध वहां पर गया कि भाई ये बैड स्मेल कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे मल से आता है। ध्यान दीजिएगा इंडोल एंड स्केटोल, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितना सिंपल फूड रहेगा उतना ये कम बनता है। इंडोल एंड इसके टोल बैड स्मेल गैसेज, जितना सिंपल फूड रहेगा उतना कम बनेगा, उतना ये कम बनेगा, और मल का जो ऐसा व्यक्ति जो मल त्याग करेगा उसके मल से बदबू कम आएगी। लेकिन आप फील करिए, हो सकता है आप फील भी किए हो, जितने लोग स्पाइसी स्पाइसी फूड प्लस चिकन, वी कैन से मटन चिकन फिशेज, फिशेज दैट मीन फिश मछली, सो इस सब जो खाते हैं उनके अंदर ये उनके मल से ये गैसें बहुत ज्यादा निकलती है, इंडोल एंड स्केटोल। सो जैसे फास्ट फूड में बार बार कह दिया, आज फास्ट फूड में बोल दिया समोसा आ गया, चाउमीन, इज्जा, बर्गर, डोसा, इडली, आप जो कुछ भी खाते होंगे सब इसमें आ जाता है। तो मेरे दोस्त इसकी वजह से मल से बदबू आती है, मल से बदबू आती है, और इसकी वजह से मल का रंग पीला होता है, और ये हमारे भोजन के रूप है, हमारे इंटेस्ट टाइम, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चार रूप है, 1 2 3 4। तो मेरे दोस्त आशा है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा, ये सब पढ़ाया था डिटेल, मैंने आपको केवल जानकारी दे दी ताकि आपको कहीं भी बताना हुआ या किसी वाइबा में बैठना हुआ तो आप दिक्कत ना करिए। कि देखिए बार बार कह रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट लेके पढ़िए, आप ऐसे किसी चीज को रटेंगे नहीं समय आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा ये जीवन का टारगेट है कि कॉन्सेप्ट दिया जाए। आप देखिए रटना तो एक अलग बात है, आप रट लेंगे कुछ दिनों तक तो आपके रहेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बिठ जाएगा माइंड में आपके तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम आपको, आप वीडियो को देखते रहिए और बार बार देखिए, अगर आपको कहीं डाउट आता तो कमेंट डालिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा हम आपको एक सूचना देते हैं, ऐसे ना जाने कितने वीडियो में डाल डाला हूँ, आप उन सभी को, छोटे छोटे वीडियो हैं उन सभी को देख डालिए, आप अपना एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे विथ साइंटिफिक मेथड। हमने कोई हार हमारे मैं साइंस साइंस ही डालता हूँ, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो जितना भी टेक्निकल वर्ड हैं जितने भी प्रोसेस हैं मैं सब डाला हूँ, आपको देखिए और उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जरूर देखिएगा, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।